नमस्कार, बहुत अच्छा, इसमें आपका स्वागत है। और मैं हूँ राकेश पड़ियाल, और इस समय हम उधमपुर के एक निजी होटल में हैं। और यहाँ पे जो है, मैं कुछ नए अंदाज में बट्सा भी इनको बोलूँगा, क्योंकि नाम इनका बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा नाम है। और बट्सा बोल दो। बट्सा बोलो, सलो बदमाश बोलो, कुछ भी बोलो। और ये है कि आपके आप सभी जितने भी लोग हमें देखते हैं, उन्हीं का प्यार है। और आज हमारा जम्मू से स्पेशली उधमपुर आना हुआ, चा कल्चर एक यहाँ पे एक कैफ़े खुला है। वैसे तो हमने जब भी देखे हैं कॉफ़ी के कैफ़ेज़ देखे हैं, लेकिन यहाँ पे चा कल्चर नाम से, जहाँ पे कुल्लड़ चा बड़ी मशहूर जो है, ये अब स्पेशलाइज्ड है इनमें, तो आज उसकी इनाग्रेशन के लिए है कि बोलते हैं भट्ट साहब आप आकर यहाँ चाय पियो, यहाँ पे 10 रुपये की चाय है। मैंने बोला फटाफट आ गया मैं भी, मैंने बोला चलो 10 रुपये की चाय पी लेते हैं। उसमें क्या आपको पता है, जहाँ पर कम रेट हो फटाफट भट्ट वहाँ पहुँच जाता है। और वहाँ पर आ गया हूँ, अब देखते हैं चाय का टेस्ट कैसा है। अब पता नहीं पेट खराब ना हो जाए, बस उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्योंकि ये सस्ती भी चाय है। और देखते हैं, मैं फिर आपको बाद में रिव्यू दूंगा इसका क्या है। और अगर तो ये पेट खराब हुआ तो मम्मी की कसम इनको मैं फिर बदुआएं दूंगा इनको, फिर जो टॉर्च लगाऊंगा फिर मैं। लेकिन चलो, क्योंकि 10 रुपये की चाय है ना, अब इसमें क्या स्पेशलिटी, स्पेशली जम्मू से भट्ट साहब इधर आया 10 रुपये की चाय पीने। हैं दिमाग देखो, 1000 रुपये का पेट्रोल फूक के 10 रुपये की चाय, यही तो भट्ट का स्टाइल है। आ गई है दो जी, दो नहीं, जम्मू में तो टॉर्च लगाए, अब उधमपुर में, अब उधमपुर में भी लगाएंगे। अब देखते ना इसको, ये मैं तो यही बोलता हूँ कि ये जो कैफे है ये सबको टॉर्च लगाए यहाँ पर। और जिसका भी है, अपने भाई का जो कैफे इन्होंने खोला है, और एक बार टेस्ट कर लेते हैं पहले इसको थोड़ा सा ना। वाह, मम्मी की कसम, जबरदस्त है, जबरदस्त है, मजेदार, बहुत सही। आप आकर यहाँ पे पियो, मैं भट्ट को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, बहुत जबरदस्त। आपने देखा कि भट्ट साहब उधमपुर में आ गए हैं, अब इनका कहना है कि उधमपुर वालों को भी टच लगाएंगे, क्योंकि जम्मू वालों को तो बड़े दिन से लगाते आए हैं, लेकिन इनके अलग अलग करेक्टर हैं। जम्मू की मेटाडोर हो गई, भट्ट साहब हो गया, या फिर टच लगाने की बात ये बार बार करते हैं। अब पता नहीं उधमपुर वालों को लगेंगे कितने नहीं। एक हमारे भाई भी हैं और उधमपुर के सितारे भी हैं, छोटू मगोत्रा जी, ये भी इनके साथ हैं। और सर, सबसे पहले आपका स्वागत है भाव एक्सप्रेस में। और किस तरह का लगता है जब बड़े बड़े सितारे जो हैं उधमपुर में आते हैं, जम्मू से भट्ट साहब तो आ ही गए हैं टॉर्च लगाने के लिए? बहुत अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लग रहा है, आके इन्होंने टॉर्च लगाया पहले सबको। अच्छा लगा ये जो कैफ़े खुला, चाय कल्चर उधमपुर में फर्स्ट टाइम खुला, जैसे हम चाय कुल्हड़ की पी रहे हैं, बाहर जाके पीते थे, जहाँ पी रहे हैं बहुत ही अच्छा है। मैं शुभकामनाएँ देता हूँ उनको। और इसी के साथ मैं ये कहता हूँ कि उधमपुर में ये 10 रुपये की चाय सबको टोच लगा ही देगी, जैसे भट्ट साहब ने बोला ये। तो हम भी अपने व्यूअर्स से कहना चाहेंगे कि आप भी यहाँ आएं और यहाँ का चाय का जो है वो आनंद जरूर उठाएं। और भट्ट साहब तो तैयार ही हैं टोच लगाने के लिए। कैमरामैन रोहित के साथ राकेश पड़ियाल, बहु एक्सप्रेस न्यूज, उधमपुर। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।